देशहित में सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका असर यूक्रेन, रूस और अमेरिका से लेकर भारत तक पड़ने वाला है, इसलिए भारत सरकार भी काफी चिंतित है। यह खबर आई है यूक्रेन वॉर जोन से, जहां पर बड़े धमाके के संकेत मिल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान करके कुछ इलाकों से नागरिकों को निकालना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के अगले कदम का दम साधकर इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक से सावधान करने के लिए गूंजते सायरन की आवाजें यूक्रेन के लोगों और सैनिकों का डर बढ़ा रही है। पता नहीं किस तरफ से आसमानी आफत आए और सब कुछ तबाह हो जाए। लेकिन अब यूक्रेन की यह दहशत और डर और बढ़ने वाला है, क्योंकि रूस, अमेरिका और भारत की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनका मतलब यही निकाला जा रहा है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। पहले इन संकेतों के बारे में जानिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में शामिल किए गए चार नए क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। इसके अलावा खेरसौन के इलाके से रूस नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को फौरन निकलने की चेतावनी दी है। वहीं बाइडेन ने भी कह दिया है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे पहले बात चार इलाकों में लगाए गए मार्शल लॉ की। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के आक्रामक रूप को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के जिन चार क्षेत्रों का रूस में विलय किया है, यानी दोनेस, लुहांस, जेपोरिजिया और खेरसौन में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है, यानी यहां पर सब कुछ अब सेना संभाले। इसके लिए पुतिन ने कई तर्क भी दिए। पुतिन ने कहा कि क्रीमिया पर हमले के पीछे यूक्रेनी एजेंसियों का हाथ है। इसके अलावा भी रूस में हमले की कई साजिशों को नाकाम किया गया है। यूक्रेन की एजेंसियां रूस में ट्रांसपोर्ट और एनर्जी संस्थानों पर निशाना साध रही हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संस्थानों पर हमले की साजिश भी की गई। क्रिमस्कम मस्तु нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики. पुतिन के इस फैसले का असर जहां पर पड़ना था वहां पड़ा भी। पुतिन से टक्कर ले रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फौरन पलटवार भी किया। До наших людей у тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків в свою армію. Всюди, так само як в Донецьку і Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका असर कम से कम पुतिन पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। पुतिन ने साफ इशारा दे दिया है कि अब इन इलाकों के आसपास नजर आने वाली यूक्रेनी सेना पर वो बहुत भीषण हमला करने को तैयार है। इसीलिए अब जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना मजबूती से आगे बढ़ रही थी, वहां से रूस ने नागरिकों को निकालना भी शुरू कर दिया है। खेरसौन से नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर रूस बड़ा धमाका कर सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नजर भी पुतिन के इस कदम पर है। बाइडेन ने कहा यूक्रेन वॉर में बुरी तरह फंसने की वजह से पुतिन बौखला गए। I think that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position. And what it reflects to me is it seems his only tool available to him is to brutalize individual citizens in Ukraine, Ukrainian citizens, to try to intimidate them into capitulating. They're not going to do that. इस बीच रूस के करीबी दोस्त इंडिया ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने और निकट भविष्य में किसी भी नागरिक को यूक्रेन ना जाने की सलाह दी है। यानी भारत सरकार को भी लगता है यूक्रेन में हालत और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। फिलहाल रूस की मिसाइलें और ईरानी ड्रोन यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। उस पर पुतिन का नया कदम बेहद खतरनाक है। ज़ेलेंस्की भी ये बात समझते हैं। Опинитись в російських військових структурах за першої ж нагоди намагайтесь скласти зброю і прийти на українські позиції.
ज़ेलेंस्की का ये बयान यूक्रेन की रक्षा तैयारियों के साथ साथ रूस की आक्रामकता के बारे में भी बता रहा है। एक बार अगर खेरसौन जैसे इलाकों से नागरिक बाहर निकल गए तो आसपास मौजूद यूक्रेन की सेना पर पुतिन मिसाइलों की कैसी बारिश करेंगे समझा जा सकता है। और यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उसमें कोई परमाणु मिसाइल भी हुई तो बड़ी तबाही तय। ब्यूरो रिपोर्ट जिम। बात करते हैं चीन की, जिसका आतंक प्रेम अब दुनिया की आंखों में चुभने लगा है। चीन ने एक बार फिर से यूएनएससी में वीटो लगाकर लश्कर आतंकी हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया। चीन इससे पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है। तलहा सईद भारत के साथ साथ इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी जिहादी साजिश करता रहा है। भारत को दहलाने की साजिश करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों का सबसे पक्का और भरोसेमंद साथी बन चुका है चीन। अब चीन बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों की खुलकर मदद कर रहा है। चीन अब पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए यूएनएससी में ढाल की तरह काम कर रहा है। इस बार चीन ने भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के बेटे और लश्कर आतंकी हाफिज तलहा सईद को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया है। अब आप समझिए आतंक प्रेमी चीन ने ये कैसे किया। चीन ने यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल करके लश्कर आतंकी हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल होने से बचा लिया। तलहा ऐसा पांचवा आतंकी है जिसे चीन ने 4 महीने में ब्लैक लिस्ट होने से बचाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका इसके लिए प्रस्ताव लेकर आए थे। हाफिज तलहा सईद आतंकवादी समूह लश्कर का